गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड द पोएम एनिमल वर. आई स्पीक आई से आई टॉक. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1, दैट इज डॉल्फिन. यू ऑल मे बी फैमिलियर with the word dolphin. Dolphin is a kind of fish. Okay, you must have seen in the photos and on internet, mobile, the picture of dolphin. Dolphin is very a gentle kind of fish. There are many types of fish, but here it is a story about dolphin. People have liked dolphins for thousands of years. Dolphins seem to like us too. What does a dolphin feel like? A wet rubber. When you will touch a dolphin, its body is like a wet rubber. Rubber means elastic type things. उसके बॉडी रबर की तरह लगता है. डॉल्फिन्स स्पेंड देयर होल लाइफ इन वाटर. डॉल्फिन क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ वाटर में ही बिताता है, लाइक अदर्स फिश. बट दे आर नॉट फिश. इन स्पाइट डॉल्फिन इज स्पेंड होल लाइफ इन वाटर, बट इट इज नॉट फिश, बिकॉज फिश कैन ब्रीथ इन वाटर. फिश क्या करते हैं, मोस्टली फिश पानी से ही सांस लेते हैं, बट डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू अ होल और टॉप ऑफ देयर हेड. फिश किस चीज सांस लेते हैं, गिल्स से. उनके फिश के फेस में एक फैन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गिल, उससे वो सांस लेते हैं. बट डॉल्फिन ब्रीथ फ्रॉम द होल, एक छेद से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जो उनके सर के ऊपर रहता है. व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट, डॉल्फिन क्या खाते. अ वेरी स्ट्रेंज आंसर, फिश. क्या कोई इंसान इंसान को खा सकता है, नॉट पॉसिबल. बट हियर डॉल्फिन ईट फिश. वी हैव सेड इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट डॉल्फिन इज नॉट अ फिश. सो डॉल्फिन का खाना क्या है, वो फिश खाते हैं, अदर फिश. एंड दे आर गुड एट कैचिंग देम, एंड दे वेरी नाइसली दे आर एक्सपर्ट इन कैचिंग अदर फिश, एंड दे ईट इट वेरी क्विकली. डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर. डॉल्फिन इज अ वेरी हेल्पफुल एंड जेंटल काइंड ऑफ एनिमल. डॉल्फिन क्या होता है, डॉल्फिन इज अ मैमल. ओके, देन हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज मैमल. मैमल इज दैट टाइप ऑफ एनिमल और बर्ड, हम कहते हैं, जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं. दे गिव बर्थ टू द बेबी एंड दे फीड देम. ओके, तो इफ एन एनिमल ड्रिंक्स इट्स मदर मिल्क, इट इज कॉल्ड मैमल. ओके, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल. लाइक वी ह्यूमन बींग्स आर मैमल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फिश. इट इज कैटेगराइज्ड इन एनिमल. और डॉल्फिन क्या करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, इन अ ग्रुप. लाइक हैव यू सीन, समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन इन डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल दैट अबाउट द एनिमल्स. What animals move, like elephant mostly move in groups, and many birds you must have seen that they fly in group.
सेम एज डॉल्फिन्स ऑल्सो मूव इन लिव इन ग्रुप्स. इफ अ किलर शार्क कम्स बाय डॉल्फिन सर्किल अराउंड इट एंड स्केयर इट अवे. वो ग्रुप में क्यों चलते हैं? सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर. दे लिव इन ओशन और बिग सीज लाइक डैप्ड एरिया और देयर ऑल्सो दे फाइंड शार्क. शार्क इज अ वेरी डेंजरस फिश. इट समटाइम्स ईट्स एनिमल एंड बाइट एंड इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. सो डॉल्फिन शार्क ट्राइज टू ईट डॉल्फिन टू एस्केप फ्रॉम दैट. व्हाट डॉल्फिन्स डू? दे लिव इन ग्रुप सो दैट दे कैन स्केयर शार्क, किलर शार्क. अगर कोई जानवर या कोई भी एनिमल अगर वो सिंगल रहता है तो सबको उससे डरते हैं. इफ यू लिव इन यूनिटी नो वन कैन हार्म यू एंड नो वन कैन ब्रेक यू. दैट्स व्हाई शार्क लिव्स इन ग्रुप. डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल बट समटाइम्स दे गेट एंग्री. डॉल्फिन बाय नेचर इज अ वेरी गुड एनिमल बट दे गेट एंग्री समटाइम्स. When they are angry, they make loud and clapping noise with their jaws or slap the water hard with their tail. तो क्या बोल रहा है? When they are angry, जब उनसे गुस्सा आता है, they make loud noise, clapping noise with their jaws like this, like this they make noise. Sometimes they tap the water, slap the water. With their tail, chup 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 like this, so hard. Sometimes you people are there. Have you ever seen a small kid, a small children? They are not able to express their feelings, but they express their feeling with different sounds and actions. If they are happy, they laugh, they clap, and when they are angry, they do different types of action like they beat their leg, hand, such type of activities they do to express that what they want to say. Dolphins are often very helpful. The example is there. One night a woman fell from a boat into the ocean. Ek baar ek aurat ek ocean mein gir gayi thi. No one saw her. Kisi ne usse nahi dekha. She tried to swim but soon grew tired. She was trying to swim and come out from the ocean, but ocean is so shallow that she became tired and cannot swim anymore. After a while, a dolphin came near her. Tabhi there she saw that a dolphin came and gently pushed her towards the shallow water. Tabhi wo kya ki? डॉल्फिन देखी आ रहा है. डॉल्फिन व्हाट डॉल्फिन डिड? एज वी नो दैट डॉल्फिन इज वेरी हेल्पफुल बाय नेचर. डॉल्फिन पुल दैट लेडी नियर द शैलो वाटर. शैलो मीन्स कम वाटर. वहां पे उसको ले आया. वो द वुमेन वाज सेव्ड. द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर. सो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ डॉल्फिन. And what is dolphin? Dolphin is a mammal. Then here's come the question. What is mammal? Mammal is a kind of animal which can feed their baby, which can feed their young ones. Clear? Now, what you have to do? You will read and go through the chapter. Read it nicely and give the heading dolphin, and you will draw one picture of dolphin in your English reader copy, and then you will do the other exercises as I have done and shown you in the video. The first question A4, exercise A4 is match the following. I have already done it. See it carefully and do it in your English reader copy. And next, A5, true and
फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, यू विल गिव द हेडिंग राइट, टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स. देन यू विल डू द एक्सरसाइजेस एंड डू इट एज आई हैव डन. डॉल्फिन्स डू नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, फॉल्स. दे आर वाटर एनिमल्स, ट्रू. डॉल्फिन्स कैच फिश विद ग्रेट डिफिकल्टी, फॉल्स. डॉल्फिन्स लाइक टू लिव ऑल अलोन, फॉल्स. डॉल्फिन्स आर नॉट ऑलवेज जेंटल, ट्रू. डॉल्फिन्स कैन एक्सप्रेस देयर एंगर, ट्रू. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. इन मैच व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट पुट लाइन. हाउ यू विल राइट, गिव द हेडिंग मैच द फॉलोइंग. देन यू विल स्टार्ट, वन, डॉल्फिन्स आर नॉट फिश. Give a dash and write correct answer. Dolphins cannot breathe in water. Next, dolphins can protect themselves. Then give a dash and you will write, dolphins scare away a killer whale. Next, dolphins cannot speak but they can express themselves. Give a dash. Then you will write, when angry, dolphin make loud noises with their tails or jaws. Next, people have always liked dolphins. Give a dash. Dolphins are friendly, gentle, and helpful. That's all for today, dear. You all have understood, and we will again do it. Okay. Thank you. Good day.